हेलो दोस्तों, बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 48 रुपीज का स्टॉक हो चुका है, माइनर चेंज आज के दिन में आया है और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से देखने को मिली है। अब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर खत्म हो गया, एक पूरा क्वार्टर यहां पे खत्म हुआ है और कंपनी की तरफ से इस तरह के अनाउंसमेंट का वेट भी काफी लोगों को था। यहाँ पे बात करेंगे वीडियो में दो बड़े स्टॉक्स के बारे में, IDFC फर्स्ट बैंक, अनुपम फिनसर्व के बारे में एक एक करके बताएंगे दोनों ही की बड़ी खबर क्या है हमारे सामने। IDFC फर्स्ट बैंक की काफी बेहतरीन खबर है, इन्वेस्टर्स के मूड को काफी पसंद आने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में दोनों स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की, आज बहुत माइनर ग्रोथ के साथ क्लोजिंग आई है। बैंकिंग सेक्टर में आज का जो दिन रहा है वो काफी फेवरेबल नहीं रहा है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक ने ठीक ठाक मोमेंटम करके बंद हुआ है। रेंज बहुत कम रही है आज के दिन की, अगर आप टेक्निकल पैटर्न पर इस स्टॉक को देखते हैं तो 40-41 रुपीज के आसपास से था और उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक में 47-48 का हाई लगाता है और वहीं पर क्लोजिंग आई है। इस समय पर डेली चार्ट पर भी अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो कोई खास मोमेंटम में स्टॉक आपका देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली अगर आज बाजार की भी बात की जाए तो बाजार का मूड भी कुछ ऐसा ही रहा है जैसा IDFC फर्स्ट बैंक का रहा है। हालांकि FII और DII की तरफ से खरीदारी बहुत अच्छी आई है, जिसका नतीजा ये रहा कि बाजार में सभी इंडेक्सेस ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। बट जिस तरह से क्लोजिंग IDFC फर्स्ट बैंक में आई है, वैसी ही क्लोजिंग कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि 0.2% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ बैंक निफ्टी, जहां पर सेंसेक्स में अच्छी रैली रही, निफ्टी 50 में अच्छी रैली रही और मार्केट काफी उछला है आज के दिन में। तो IDFC फर्स्ट बैंक में कुछ चीजें हैं जिसको कवर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप काफी टाइम से रुके हैं तो इस तरह की खबरें काफी मायने रखती हैं। देखिए, सबसे पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता है कि FII और FPI ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था जून क्वार्टर में, जो कि काफी अच्छा रहा था स्टॉक के लिए और उसी की वजह से स्टॉक ने अपना लगातार एक सपोर्ट मेंटेन किया है। 11.5-12% से अराउंड 15% के आसपास के शेयर होल्डिंग FIIs ने यहाँ पे जून क्वार्टर में बाय की थी। एवरी क्वार्टर कंपनी को अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो फाइल करना पड़ता है BSE के पास। इस क्वार्टर भी आपको पता लगेगा कि सितंबर क्वार्टर में किसने बढ़ाया किसने घटाया, बट उसके लिए थोड़ा समय है। अभी की बात करें तो लगातार जिस तरह से ट्रेंड रहा है, अगर आप पिछले सितंबर से ही देखें तो 11.23% के आसपास की FII शेयर होल्डिंग थी, उसके बाद बढ़ा के 11.57 कर दी गई, देन 11.88 और उसके बाद 15% की ह्यूज शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं समय पर FIIs। जब भी कोई लोग निकलने की कोशिश करते हैं IDFC से, तो आई ऑलवेज से कि यार यहाँ पे आपके पास शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी FIIs के पास है, उतने अच्छे एनालिस्ट आपके साथ नहीं होंगे शायद जितने इनके पास है, स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है इस समय पे। और फंडामेंटल्स के ऊपर ही आज बात करेंगे हम। देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे एक अच्छी रैली दिखाई है, एक अच्छा ग्रोथ पैटर्न बनाया है और म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है यहाँ पे। तो ये तो हुई कुछ फंडामेंटल्स की बात। अब चलते हैं खबर पर लेकर के, खबर क्या है हमारे सामने। अनाउंसिंग इट्स सेकेंड क्वार्टर अपडेट फॉर द करंट फिस्कल, IDFC फर्स्ट बैंक सेड दैट इट्स कस्टमर डिपॉजिट हैव डिक्लाइंड 1.3% ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। कस्टमर डिपॉजिट लगभग 1.5% के आसपास डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक बुरी खबर है। हाउएवर आर अप 20.8% ईयर ऑन ईयर, साल दर साल अगर हम देखें तो यहाँ पे 21% के आसपास की ग्रोथ है एट 83,793 एज ऑफ सेप्टेम्बर 30। अगर आप बात करें यहाँ पे तो कस्टमर डिपॉजिट काफी इस अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 1.3% की गिरावट, बट ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट द कासा रेशियो विच इज करेंट एंड सेविंग अकाउंट, जो कि बढ़े हैं लगातार, कासा रेशियो इम्प्रूव करा है बैंक ने और यही बड़ा कारण है जिससे कि इसमें इन्वेस्टमेंट 6 महीने 3 महीने के लिए ना करके आपको 5 साल 6 साल के लिए करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत अच्छा फंडामेंटल ओन्ड बैंक है और फंडामेंटल से नहीं टेक्निकल की भी बात करेंगे, बट इस समय भी आप देखिए कासा रेशियो में जिस तरह के अच्छे पॉजिटिव बदलाव हुए हैं, काफी फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, कासा डिपॉजिट्स ग्रो मार्जिनली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड सर्ज 55% ईयर ऑन ईयर एट 46,783 क्रोर ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू। IDFC फर्स्ट बैंक कासा रेशियो स्टूड एट 51.90% एज कम्पेयर टू 50.86 क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 40.37 ईयर ऑन ईयर। तो 52% के आसपास का रेशियो रहा इनका। कंपेयर करते हैं अगर आप मतलब करंट से सेविंग
तो करंट से सेविंग का कितना रेशियो रहा है वो बात हो रही है, कंपेयर करते हैं अगर आप, तो 51% के आसपास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और 41% के आसपास का ईयर ऑन ईयर है। तो जो डेटा आया है सेकेंड क्वार्टर का वो काफी अच्छा है, पॉजिटिव डेटा है। यहाँ पे अगर ये कोई नेगेटिव डेटा होता तो मैं रेकमेंड करता कि स्टॉक से निकलना चाहिए, बट क्योंकि जिस तरह का डेटा आया है बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर मेरी आपको रुकने की सलाह श्योरली रहेगी। ठीक है, यहाँ पे स्टे करना है, होल्ड करना है स्टॉक को। कहाँ तक होल्ड करना है, क्या हो टारगेट, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको पहले सेट कर लेते हैं वीकली पैटर्न पर। देखिए वीकली पैटर्न पर आ गया स्टॉक हमारा। अब पहला टारगेट जो है आपका वो 70 के आसपास का, 69-70 के आसपास का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट की बात करें जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, वो 90 रुपीज के आसपास का है। ठीक है, तो 90 का टारगेट लेकर के आप खरीदारी इस स्टॉक में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ना ले तो ज्यादा अच्छा है। स्टॉक में अच्छे चेंजेस हैं, मैग्डी अगर आप देखें तो न्यूट्रल हो चुका है, आरएसआई की बात करें तो 47 का आरएसआई है, और लोअर एंड पर अगर आप सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक लगातार इस पॉइंट पर यानी 46-45 के आसपास का सपोर्ट लगातार ले रहा है। तो 44 डे मूविंग एवरेज की अगर आप बात करें तो उस पर सपोर्ट है इसका, एक अच्छे सपोर्ट है। 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, सिंपल मूविंग की अगर बात करें तो मोमेंटम अच्छा है, टेक्निकल पैटर्न अच्छे हैं, खबर पॉजिटिव आई है, सेकंड क्वार्टर का डेटा जो आया है काफी पॉजिटिव है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 70 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात। अब बात कर लेते हैं अनुपम फिनसर्व की, जो कि हमारा सेकंड स्टॉक है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है क्योंकि स्टॉक ने अनाउंस कर दिया है स्प्लिट, 10 शेयर्स मिलेंगे एक शेयर के बदले। स्टॉक स्प्लिट का मतलब 5% की रैली स्टॉक में आई है इसी वजह से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं वो खबर। देखिए स्टॉक ने एक साल में 200% एंड अगर आपने 3 महीने में भी पैसा लगाया होता तो आपको लगभग 200% का रिटर्न आपको मिल जाता। 1 महीने में 79% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिला है, बेहतरीन रिटर्न है, बेहतरीन कंपनी है। स्प्लिट अनाउंस किया है कंपनी ने यहाँ पे। देखिए स्प्लिट की बात है, कॉर्पोरेट एक्शन 6 अक्टूबर यानी कल के दिन में एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा आपका शेयर एंड उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी आपका श्योरली गिरेगा। बट स्टॉक क्योंकि अच्छा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, यही कारण है कि स्टॉक को अनाउंस करना पड़ा स्प्लिट। इसके भी चार्ट पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। देखिए ये है इसका चार्ट पैटर्न, एक स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहाँ पर अराउंड 12.6 का और उसके बाद एक अच्छी रैली में शुरुआत कर ली है। हैंगिंग मैन कैंडल जरूर बना है यहाँ पे, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक में गिरावट होगी, स्टॉक अभी भी तेजी में रहने वाला है। स्टॉक स्प्लिट के बाद दोबारा से स्टॉक एक अच्छी रैली में दिखाई देगा। 25 रुपए का टारगेट यहाँ पर रहने वाला है आपका और 25 के बाद यानी कल तो स्प्लिट हो जाएगा एंड देन स्टॉक का चार्ट पैटर्न कुछ और होगा, बट 25 का टारगेट यहाँ पे अराउंड हो सकता था अगर स्टॉक 2-4 दिन और चलता तो। स्प्लिट के बाद दोबारा डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भी आप चाहें तो वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रख सकते हैं। स्प्लिट के बाद इसमें एक अच्छी रैली की संभावना बन रही है। ठीक है, दोनों ही स्टॉक इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, उसमें भी खबरें बहुत अच्छी हैं, अनुपम फिनसर्व में भी खबरें बहुत अच्छी हैं। दोनों ही स्टॉक को एंजॉय कीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरी होल्ड रेटिंग रहेगी, अनुपम में आप एक बार इसे स्प्लिट होने दीजिए, उसके बाद टेक्निकल पैटर्न को देखिए। इस समय पर स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी ठीक ठाक हैं और टेक्निकल पैटर्न भी काफी अच्छा है। स्प्लिट के बाद 2-4 दिनों में यहाँ पे एक अच्छी रैली दोबारा शुरू होगी और उसके बाद खरीदारी इस स्टॉक में भी की जा सकती है। श्योरली एक बार बाजार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाजार के हालात काफी बेहतर हैं, निफ्टी 50 में अच्छी रैली देखने को मिली है, ओवरऑल इंडेक्सेस में तेजी है, छोटे स्टॉक्स को मौका है, पावर सेक्टर रैली में है इस समय पर। और बात करें FII और DII की तो वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है हमें। DII ने अच्छी खरीदारी की है, FII ने अच्छी खरीदारी की है जिससे बाजार उछला है और छोटे स्टॉक्स को मौका मिल रहा है, यही कारण है कि मैंने इस वीडियो में अनुपम फिनसर्व को भी शामिल किया है। देखिए यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स की भी बात करते हैं तो ठीक ठाक एक 2 साल रहा, 2 साल में एक अच्छी रैली में रहा, ग्रोथ पैटर्न ठीक ठाक है और जो मार्जिन है मार्जिन बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने, 73% के आसपास का मार्जिन मेंटेन कर रखा है जो कि किसी भी छोटी कंपनी के लिए मुश्किल रहता है, बट इस कंपनी ने बखूबी इस मार्जिन को मेंटेन किया हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक ग्रोथ भी है और लगातार एक स्टेबल कंपनी के तौर पे बनी हुई है। एनबीएफसी है और यहाँ पे एनबीएफसी में लगातार गवर्नमेंट की तरफ से जो अच्छे डिसीजन आए हैं उसे लगता है कि आपको इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए, एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखिए और मौका मिलते ही इस स्टॉक में पैसा लगा देना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में इसके ऊपर दूसरी वीडियो कर सकते हैं, अभी आप इसे वॉच लिस्ट में रखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड कीजिए, बाजार के हालात अच्छे हैं, खरीदारी कीजिए स्टॉक्स में, आईडीएफसी में खरीदारी की जा सकती है विद अ टारगेट ऑफ 90 रुपीज। वीडियो यहीं खत्म करेंगे, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।